रोहतक के पास से गुजरने वाली जेलेन नहर में आज फिर एक हादसा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के कोच अनिल धनखड़ का 18 वर्षीय बेटा अंगद नहाते समय नहर में डूब गया है। सुबह 9 बजे घर से अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, लेकिन नहाते समय वो डूब गया, जिसकी सूचना उसके दोस्त ने घर पहुँच कर दी। घटना की सूचना मिलते ही रोहतक प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और एनडीआरएफ की टीम को बचाव के लिए तैनात कर दिया है। अभी तक की सूचना के अनुसार अंगद का कोई पता नहीं चला है। नहर का बहाव काफी तेज है, जिसके चलते बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। वहीं अंगद के दादा ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है कि वह नहर के बहाव को रुकवाने का कष्ट करे, ताकि उनके बच्चे का कोई सुराग लग सके। इस घटना के बाद चारों तरफ मातम पसर गया है। मौके पर पहुंचे शिवाजी कॉलोनी थाना के डीएसपी विवेक कुंडू ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, शिवाजी कॉलोनी थाना की पूरी टीम और वह खुद मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेकर एनडीआरएफ की टीम को बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया। हालांकि गुस्साए परिजनों ने झज्जर रोड पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद जाम खुलवा दिया। उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और एनडीआरएफ की टीम के खोजने के प्रयास से जल्द ही किशोर का पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार डूबे हुए किशोर का कोई अता पता नहीं चल पाया है। जिस समय यह घटना हुई, तब सौरभ का परिवार किसी काम से लुधियाना गया हुआ था। पीछे से वह भाई और दोस्तों के साथ नहर पर नहाने पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीण जमा है और गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है। पानी का स्तर ज्यादा और तेज बहाव होने के कारण गोताखोरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्बन एस्टेट पुलिस थाना के प्रभारी प्रहलाद सिंह ने बताया कि सौरभ के नहर में डूबने की सूचना मिलते ही अर्बन एस्टेट थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। युवक नहाने के लिए नहर में उतरा था और यह हादसा हो गया। पुलिस व गोताखोरों की टीम युवक की तलाश के लिए जुटी हुई है। आपको बता दें, एक ही दिन में यह दूसरा मामला है जिसमें 17 से 17 साल के दो नाबालिग किशोरों के जेलेन नहर में डूबने की खबर आई है। सौरभ से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के कोच अनिल के 17 वर्षीय बेटे अंगद के डूबने का मामला सामने आया है। मंगलवार को झज्जर रोड पर जवाहरलाल नेहरू कैनाल में वह अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। पुलिस व परिजन खोताखोरों की मदद से उसे तलाश कर रहे हैं। अमित पंघाल ने भी डीसी से नहर का पानी कम कराने की मांग की है।